नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह आरंभ हो चुका है और लोक मान्यता के अनुसार भगवान राम और हनुमान जी का मिलन ज्येष्ठ मास में ही हुआ था। तभी तो इस महीने आने वाले मंगलवार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। ज्येष्ठ के महीने में आने वाले मंगलवार चाहे वो 4 बार आए या 5 बार आए, सभी की महिमा अपरंपार है। भारत के बहुत सारे इलाकों में इस महीने के मंगलवारों को बड़ा मंगलवार भी कहा जाता है और इस महीने हनुमान जी की आराधना का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस महीने मंगलवार के दिन कुछ सरल से उपाय करने से मंगल ग्रह से संबंधित हर समस्या का निदान हो जाता है। अगर कुंडली में मंगल मारक नीच या अस्त जैसा भी बुरा प्रभाव दे रहा हो तो केवल 1 महीने ये उपाय करने से कठिन समस्या का समाधान हो जाता है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो विशेष उपाय जो इस महीने हर मंगलवार को करने हैं। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला पहनाएं। इसके बाद हलवा पूरी और किसी अन्य मिठाई से हनुमान जी का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान जी के सामने वही आसन बिछाकर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और श्री सुंदरकांड का पाठ करें। इस महीने जल, मीठा शरबत, कच्ची लस्सी आदि का दान करें। इसके अलावा पानी वाले फल जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरे इत्यादि का भी आप दान कर सकते हैं। अगर आप शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाना चाहते हैं तो मंगलवार की रात तुलसी, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके अलावा इस महीने हर मंगलवार को लड्डू और केसरी रंग की मिठाई हनुमान जी को अर्पित करें और प्रसाद के रूप में बांटें। ऐसा करने से कठिन समस्या का निदान हो सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारा आपसे निवेदन है, अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।